हेलो एवरीवन, जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज हो चुका है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के एडमिशन के लिए, और साथ में काउंसलिंग के प्रोसीड्यूर भी रिलीज हो चुके हैं, यानी कि क्या प्रक्रिया रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल में इन्फॉर्मेशन होगा, आसान भाषा में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आप सभी के लिए, जो लोग भी जोसा में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ जो इंस्टीट्यूट है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, वो है आपके 114, जिसमें 23 आईआईटीज, 31 एनआईटी, आईआईएसटी शिवपुर, 26 ट्रिपल आईटी और 29 अदर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, यानी कि जीएफटीआईज है। कौन कौन से बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सारे बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। साफ साफ कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट पास हैं, तो पास का कुछ डिफिनेशन देनी नहीं दिया गया है, तो सारे कैंडिडेट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखो, आईआईटीज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका जेई एडवांस एग्जामिनेशन देना जरूरी है, और अदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए आपको तो जेई मेन एग्जामिनेशन जरूरी है। तो जिन लोगों ने भी जेई मेन एग्जामिनेशन दिया होगा उनको ऑप्शन होंगे एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के, और जो एडवांस एग्जामिनेशन दिया है उनको आईआईटीज के ऑप्शन अवेलेबल होंगे। सबसे पहले जोसा काउंसलिंग में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है उनके पोर्टल पे जाके, josa2021 में, josa.nic.in इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। और सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे, और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जो भी सीट्स अवेलेबल होंगे उस पे बच्चों को फिल किया जाएगा, जो मेरिट स्टूडेंट होंगे। काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, तो काउंसलिंग शेड्यूल आपका जो काउंसलिंग है वो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। 16 अक्टूबर सुबह के 10 बजे से काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा, यानी कि मतलब कह लो स्टार्ट हो जाएगा 15 अक्टूबर को, आपका जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा, उसके एक दिन बाद सारी प्रक्रिया चालू हो जाएंगी। अब देखो, यहाँ पे मॉक सीट एलोकेशन भी होने वाला है, दो मॉक सीट होंगे। तो पहला जो है आपका, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके बाद जो चॉइस फिल किया है उस पर आपको सीट मिले या कि नहीं, मॉक सीट एलोकेशन 1 में आपको पता चल जाएगा। तो 22 अक्टूबर सुबह के 10 बजे आपके मॉक सीट एलोकेशन राउंड 1 के रिलीज कर दिए जाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको सीट मिलेंगे कि नहीं। उसके बाद मॉक सीट एलोकेशन 2 आएगा, जो कि 24 अक्टूबर का आएगा सुबह 10 बजे। उसके बाद आप अपने चॉइस को फिर से रीअरेंज कर सकते हो अगर आपको मॉक सीट एलोकेशन में सीट नहीं मिलता है तो, यानी कि समझ लो 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपको चॉइस फिलिंग का समय है, और रजिस्ट्रेशन आप शुरुआत में ही कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे 16 से 25 के बीच में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है और चॉइस फिल का 25 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक है, तो आप उससे पहले ही कर लेना। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ डेटा वेरिफिकेशन वैलिडेशन ऑफ अलॉटेड सीट, ये 26 अक्टूबर को होगा, जो कि जो जोसा वाले हैं उनके अथॉरिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें ये लोग देखेंगे। अब यहाँ पे आता है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीट एलोकेशन राउंड 1 का। टोटल 6 राउंड में काउंसलिंग हो रहे हैं 2021 में। सीट एलोकेशन राउंड 1 का 27 अक्टूबर को होगा सुबह 10 बजे के बाद। देन 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए, फी पेमेंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, रिस्पॉन्स बाई कैंडिडेट टू क्वेरी 2021 में, यानी कि इस काउंसलिंग में ऑनलाइन रिपोर्ट करना है। ऑनलाइन रिपोर्ट कहाँ करना है, तो जोसा के पोर्टल पे। जब सीट एलोकेशन बच्चों का हो जाएगा तभी से आप ऑनलाइन रिपोर्ट कर पाओगे। जिनका भी सीट अलॉटमेंट हुआ है उनको सीट एक्सेप्टेंस फी देना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अपने पोर्टल पे, और कोई भी अगर क्वेरी यानी कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है आपके पोर्टल में तो उसका रिस्पॉन्ड करना है। तो 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का समय है, 30 अक्टूबर तक को शाम के 5 बजे तक आप सारी चीज़ें कर सकते हो। लास्ट डे है रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का। अब रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का मतलब मैं बताता हूँ, अगर मान लो आपके सारे चीज़ ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहाँ से कुछ आपको सवाल पूछा जाता है, आपको एक मैसेज पॉपअप होता है आपके पोर्टल में, तो उसको आपको जवाब देना है, तो वो 31 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक कर सकते हो। राउंड 1 खत्म होने के बाद राउंड 2 सेम प्रक्रिया है, वैसे ही सब कुछ होगा। राउंड 2 से लेकर राउंड 5 तक के बीच में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो भी बच्चा का सीट अलॉटमेंट हो चुका है अगर वो विड्रॉ करना चाहता है तो विड्रॉ कर सकता है राउंड 2 से लेकर राउंड 5 के बीच में। अब देखो, सीट एलोकेशन राउंड 2 का 1 नवंबर को होगा शाम के 5 बजे। ऑनलाइन रिपोर्ट करना है आपको 2 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में शाम के 5 बजे तक, यानी कि 3 नवंबर को शाम के 5 बजे तक आप ऑनलाइन रिपोर्ट करोगे, फी पेमेंट करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी, अगर जरूरत पड़ी तो। राउंड 2 का आपको 2 से 3 नवंबर के बीच में ये सारी चीज़ें करनी है। लास्ट डे है रिस्पॉन्ड टू क्वेरी करने का 5 नवंबर शाम के 5 बजे तक।
देन अगर कोई बच्चा विड्रॉल करना चाहता है तो विड्रॉल 2 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में कर सकता है। टाइम का ध्यान रखना, टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सीट एलोकेशन राउंड 3 के लिए 6 नवंबर को आपका रिजल्ट आएगा, 6 नवंबर को राउंड 3 का रिजल्ट आ जाएगा। देन आपको ऑनलाइन रिपोर्ट करना है, फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और रिस्पॉन्ड बाई कैंडिडेट टू क्वेरी, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जवाब देना है। 7 नवंबर से 8 नवंबर तक के बीच में लास्ट डे है रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का, 9 नवंबर शाम के 5 बजे राउंड 3 के लिए। और कोई भी बच्चा अगर विड्रॉ करना चाहता है, विड्रॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो 7 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब देखो राउंड 4 का सीट एलोकेशन 10 नवंबर को होगा। देन उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्ट, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड और रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी 11 नवंबर से 12 नवंबर तक के बीच में कर सकते हो। लास्ट डे है रिस्पॉन्स टू क्वेरी का 13 नवंबर। विड्रॉल अगर आप करना चाहते हो तो 11 नवंबर से 13 नवंबर तक के बीच में विड्रॉल कर सकते हो। सीट एलोकेशन राउंड 5 का होगा, नवंबर 14 को होगा। ऑनलाइन रिपोर्ट करना है, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी 15 नवंबर से 16 नवंबर तक के बीच में आप ये सारी प्रक्रिया कर पाओगे। लास्ट डे है रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का 17 नवंबर। विड्रॉल ऑफ क्वेरी रिस्पॉन्स 15 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में होगा और नोटिफिकेशन ऑफ द डिसीजन ऑन सीट कंफर्मेशन फॉर राउंड 5 17 नवंबर तक हो जाएगा। यानी कि वहाँ उस समय पता चल जाएगा कितने बच्चों के सीट कन्फर्म हुए, ये सारी चीज़ें लिस्ट विस्ट आ जाएगी। तो टोटल 2 राउंड से लेकर 5 राउंड तक के बीच में विड्रॉल कर सकते हो और ये आपका जनरल राउंड है जो कि 1 से 5 तक के बीच में है। देन उसके बाद 6 राउंड का सीट एलोकेशन होगा जो कि होगा 18 नवंबर को। देन ऑनलाइन रिपोर्ट करना है, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड और रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी 19 नवंबर को आप ये कर सकते हो। लास्ट डे है रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का 20 नवंबर और एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर सीट एक्सेप्टेंस ऑफ सीट और विड्रॉल ऑफ सीट बाय फिजिकल मोड एट एडमिटिंग और अलॉटेड इंस्टीट्यूट ओनली फॉर राउंड 6 20 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में होगा। और ये होगा NIT प्लस सिस्टम के लिए। तो जो भी बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा या फिर सीट एक्सेप्टेंस, उसको फिजिकली अपने इंस्टीट्यूट में जाना है या फिर अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना है। और कोई बच्चा विड्रॉ करना चाहता है तो राउंड 5 तक ही विड्रॉ कर ले। अब बताता हूँ मैं आपको, जो राउंड 6 है ये आपका फाइनल राउंड है IIT और NIT के लिए। फर्दर इसके बाद भी अगर वैकेंट सीट रह जाती है तो अदर मोड में काउंसलिंग हुआ, जैसे कि CSAB में काउंसलिंग हो सकता है। जोसा काउंसलिंग सिर्फ 6 राउंड तक होगा, आफ्टर दिस नो काउंसलिंग राउंड विल टेक प्लेस। तो ये फाइनल डिसीजन है जोसा का। और देखो आपको अगर जोसा में पार्टिसिपेट करना है तो रजिस्ट्रेशन मस्ट है NITs, IIITs, GFTIs, IITs में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना मस्ट है। तो इस बात का ध्यान रखना कि एप्लीकेशन फॉर्म आप 16 तारीख से भरना चालू कर देना, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। और जो ये इन्फॉर्मेशन थी ये जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया, वैलिड सोर्स से लिया गया, इस बात का ध्यान रखना। साथ में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन है, आप वो भी चेक कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर से लाइक और शेयर करना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोज़ के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @PallavMasoFilm। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर से दबाना। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।